नीट एस्पिरेंट्स, आपके नीट को 7 महीने हैं अभी और आपका जो डेट है वो है 4 मई 2025। एज एक्सपेक्टेड, दो ये ऑफिशियल तो नहीं है अभी। मैं ये वीडियो आप लोग के लिए क्यों बना रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में इतना खो जाते हैं कि हम कुछ चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं हम। और जब डी डे आ जाता है और जब हम गलती कर बैठते हैं तो हमको लगता है काश मैंने इस पे भी ध्यान दिया होता। तो उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए, आपको ये आपके नज़र में लाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप भी ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं अभी आपके प्रिपरेशन में तो कृपया इसे करेक्ट कर लें, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको आपके गोल तक पहुंचने से रोक सकते हैं। हार्डली आपका 3 मिनट या 4 मिनट लूँगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है एनालाइज योर टाइम। आप अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं इसको रुक के ठहर के थोड़ा एनालाइज कीजिए। क्या आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है कि क्या आप प्रॉपर मॉक टेस्ट में अपना टाइम दे रहे हैं, टेस्ट जो आप देते हैं उनको एनालाइज करने में अपना टाइम दे रहे हैं, MCQs लगाने में अपना टाइम दे रहे हैं या नहीं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं? मैं तो कहूँगा अपने यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम को कुछ दिनों के लिए आप बंद ही कर दें, कुछ महीनों के लिए बंद कर दें। उसके बाद ही आप, जब आपका नीट ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करें। तो अपने टाइम को अच्छे से देखें, एनालाइज करें। दूसरी चीज़ जो है वो है रिसोर्सेस। देखिए, आज इंटरनेट की दुनिया में ऐसा है कि जो रिसोर्सेस हैं वो एम्पल हैं, बहुत सारा रिसोर्सेस अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, ऑनलाइन चीज़ें होने लग गई हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वो फोमो में फंस जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं एलन से पढ़ रहा हूँ क्या ये इनफ है, क्या मुझे PW का भी वीडियो देखना चाहिए, क्या मुझे PW का मॉड्यूल भी लगाना चाहिए, या PW में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचने लगते हैं कि एलन का मॉड्यूल भी लगाना चाहिए क्या, क्या एलन के मॉक टेस्ट देने चाहिए क्या? लुक, ट्रस्ट योर सोर्स वेर एवर यू आर स्टडिंग। कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता, चाहे PW हो चाहे एलन हो। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं किसी एक सोर्स को पकड़िए, किसी एक रिसोर्स को पकड़िए और अपना 100% डिवोशन के साथ उस इंस्टीट्यूट को पकड़े रहिए। और जो जो चीज़ें होती हैं, जो स्टेप्स होती हैं, लाइक क्वेश्चन लगाना, फिर मॉक टेस्ट देना, फिर उसको एनालाइज करना, ये 3 चीज़ें आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में उसे करते रहिए। और फॉर्मो के अंदर मत रहिए कि ये छूट रहा है या वो छूट रहा है या वो बेहतर हो सकता था, वो बेटर हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंस्टीट्यूट कैपेबल है आपको पास कराने के लिए, है ना? तो आप अपने रिसोर्सेज पे बिलीव कीजिए और सिंगल रिसोर्सेज रखिए। जितना कम से कम और छोटा से छोटा कंटेंट रखेंगे उतना बेहतर होगा, उतना बार बार आप उसको रिवाइज कर पाओगे। अगला जो है वो मेंटेलिटी भी मैंने इसमें ही डिस्कस कर दिया है कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो आपको बिलीव करना होगा अपने आप पे और आपकी कोचिंग पे, आपके रिसोर्सेज पे। सेल्फ डाउट पर मत रहिएगा। चौथी चीज़ जो है वो MCQs। क्या आप इनफ MCQs लगा रहे हैं या नहीं? इनफ MCQs का, या फिर आप जस्ट थ्योरी रट्टाबाजी कर रहे हो? तो भाई, थ्योरी रट्टाबाजी अगर कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा। यू वॉन्ट बी एबल टू पास इवन 400 मार्क्स इन नीट। थ्योरी से कुछ नहीं होता, पूरा खेल एप्लीकेशन का है। तो आपको MCQs तो लगाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि कितना MCQ इनफ है, ये भी कभी कभी इंसान सोचने लग जाता है। या तो वो ज़्यादा MCQ लगा रहा होता है या बहुत कम लगा रहा होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप PYQs कर लो, PYQ के टॉपिक्स एनालाइज करो कि हाँ, इस चैप्टर के इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स पे ही अलाइन रहो और उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व करो। आपको ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप एलएम के एक्सरसाइज 1, 2, 3 सारे मॉड्यूल एक्सरसाइजेज को आप लगा रहे हो, उतना टाइम ही नहीं है आपके पास। यू हैव ओनली 7 मंथ्स, जिसमें हार्डली आप 5 मंथ्स पढ़ने के लिए दोगे, फिर 2 मंथ्स
जो 2 मंथ बचेंगे आपके उसमें आप रिवाइज करोगे। तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 3 करना बिल्कुल ज़रूरी है। लाइक बहुत टफ़ क्वेश्चंस करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। टफ क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं नीट में, 5% 10%। उन 5-10% को सॉल्व करने के चक्कर में आप अपने 90% को छोड़ देते हो। तो इसलिए आप जो MCQs लगा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ बी फोकस्ड ऑन PYQ टॉपिक्स, नॉट ओनली PYQs। PYQs तो आपको करनी है, इसके अलावा PYQs के आसपास वाले जो क्वेश्चन हैं उनको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करो, और फिर आप देखना आपके रिजल्ट में क्या प्रोग्रेस आता है, मॉक टेस्ट में क्या प्रोग्रेस होता है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो आपका आईना है ना, कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, कितना आप रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप अप्लाई कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। तो कुछ लोग मॉक टेस्ट से भाग रहे होंगे कि यार मार्क्स नहीं आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो छोड़ देते हैं, या फिर प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, सिलेबस ही कम्प्लीट नहीं हो पाया। सिलेबस कभी कम्प्लीट नहीं होता मेरे दोस्त, सिलेबस कभी कम्प्लीट नहीं होता। इवन इफ यू आर 60-70% प्रिपेयर्ड, गो फॉर इट। और ठीक है, आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएगा, तो एक तरीके से आपका फीडबैक सिस्टम है कि हाँ आपने सही से पढ़ाई नहीं की, तो आप उसको फिर करेक्ट करोगे, है ना। और एक चीज़ और है कि जो मॉक टेस्ट है उसको एनालाइज अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने का, तो वो बिल्कुल फ्यूटाइल है, कुछ नहीं देगा आपको मॉक टेस्ट। उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और कैसे एनालाइज करते हैं मॉक टेस्ट ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। और 7th जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नीट यूजी जो है वो आज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बन चुका है, और यहाँ पे 25-26 इवन मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर 30 लाख स्टूडेंट हो जाएं, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात है नहीं। तो जब 30 लाख स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे होते हैं तो कुछ गेम जो है ना वो टाइम का, लक का भी हो जाता है। तो गिव योर बेस्ट एंड डोंट थिंक अबाउट रिजल्ट्स कि ऐसा ही होगा, आपके हिसाब से ही होगा, कुछ इधर उधर हो सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसको आपके हाथ में नहीं है। अभी कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, तो अपना बेस्ट दीजिए और देखिए कि डे टू डे क्या होता है आपके साथ, है ना। बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।